अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये सीलिंग फ़ैन के बारे में कि इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है एक होती है वायर स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग की। ठीक है, ये कॉइलें आप देख सकते हैं, दो दो कॉइलें, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। तो एक जो है वो स्टार्टिंग है, एक जो है वह रनिंग है। ठीक है, तो इसमें अमूमन ज़्यादातर होती है तीन वायर होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीन वायर हैं। ये वायर मैंने खुद डाली हैं, दूजी पहली जो है वो उनको डैमेज हो चुकी थी तो वो मैंने निकाल दी हैं। मुख्तलिफ अपने अपने कलर वैसे यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें दो कलर वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैपेसिटर को लगेंगी और ये जो ग्रीन कलर की है ये मेन 220 के जो है वो इनको मिलेंगे। ठीक है, तो दो कैपेसिटर को लग जाएंगी ये दोनों वाइट जो है, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 220 डायरेक्ट एक जो है वो यहाँ पे एक आएगी, एक कॉमन इसके साथ हो जाएगी कैपेसिटर के साथ और एक इसके साथ ग्रीन के साथ। अब इसके कनेक्शन किस तरह करेंगे, एक लेना है स्टार्टिंग का और एक लेना है रनिंग की वायर। ये आप देख सकते हैं वायर छोटी हो चुकी है, पहले ऑलरेडी ये वाइंडिंग हुआ था लेकिन हुआ कि यार ये है सिल्वर में वाइंड हुआ, तो सिल्वर में इसमें ना वो जंग लग चुका था तारों को, यहाँ पे सिरे जो है वो डैमेज हो चुके थे सिरे सारे, तो वो जो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि चलो इसके साथ साथ वीडियो भी बन जाए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पहुँच जाए जो इसके बारे में नहीं जानते। तो आप देख सकते हैं एक लेना है, ये दो सिरे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। ठीक है, ये दोनों सिरे आपस में मिला देंगे। ठीक है, इसका और इसका ये एंगल आपने बनाना है। ठीक है, दो तारें, एक इसका लेना है और एक इसकी वायर लेनी है। ये दोनों के सिरे ये आप देख सकते हैं, ये दोनों नीचे, ये दोनों को आपस में टच करना है। ये दोनों को आपस में मिला के हम लाइन लगाएंगे ग्रीन के साथ, ये ग्रीन के साथ इसको टच करेंगे और एक वायर आ जाएगी ये बाहर वाली जो रनिंग है, एक वायर यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरी वायर हम इसके इस सिरे पे यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन, मैं भी आपको कनेक्शन करके फिर दिखाता हूँ दोबारा से कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं इसके। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने रनिंग और स्टार्टिंग को जो है वो आपस में एक को एक सिरा कॉइल का, इस कॉइल का सिरा और दूसरी इस कॉइल का सिरा आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के साथ आपने जो अमूमन ज़्यादातर रेड होती है वायर, इसमें रेड वायर जो होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मेरे पास रेड नहीं है, मैंने इसकी जगह पर ग्रीन इस्तेमाल की है। तो आप कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं अभी इनके कनेक्शन करता हूँ, कनेक्शन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने इसके कनेक्शन किए हैं और आपको किस तरह करने चाहिए। फिर इसके साथ कैपेसिटर भी इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर को लगा के फिर इसको चला के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने जो ग्रीन वायर है वो मैंने स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक जो वायर है उनके साथ इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, दूसरी एक कैपेसिटर की ये है, एक रनिंग के साथ और एक स्टार्टिंग के साथ है। ठीक है, ये तीन वायर आप देख सकते हैं बाहर निकाली हैं, ये दो कैपेसिटर की हैं वाइट और ये डायरेक्ट या फेस मैंने दिया है। तो अभी हम इनको क्लोज करते हैं, इसको ऊपर वाला कवर इसको बंद करके फिर इसको चेक भी करेंगे क्या वाकई ठीक हो। अभी मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, सीरीज पर टेस्ट किया, ये आप देख सकते हैं लैंप लगा हुआ है, तो सीरीज पर टेस्ट किया वैसे ही इसको, तो बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसको बंद करते हैं, ऊपर वाला कवर इसका लगा के फिर इसको दोबारा से चेक करेंगे क्या हमारा वो जो फ़ैन है वो वाकई ठीक है या फिर भी कुछ इसमें गड़बड़, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, इसकी वाइंडिंग ठीक थी लेकिन यहाँ पे वो जंग लग जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि जंग डिस्कनेक्ट हो जाती हैं वायर इसमें, तो जब डिस्कनेक्ट होती हैं तो ये फ़ैन वर्क करना छोड़ देता है, तो वही प्रॉब्लम था इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइंडिंग ऑलरेडी इसकी हुई है। तो अभी इसको कवर को बंद करते हैं, कवर को बंद करते हैं।